नमस्ते। साल मुबारक। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग फैमिली। अ बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दिस इज अ हिस्टोरिक डे। For a great partnership and you are the heartbeat. Between two great nations, two vibrant democracies, two wonderful people, we are celebrating this very special relationship in this very special venue. With friends of India, especially Excellency Prime Minister Cameron. I was told that London would be cold, but not this much. Your wonderful and warm welcome makes me feel at home. I am grateful to Prime Minister Cameron for his kind words. Thanks to everybody. दिवाली ठीक से मनाई? मैं करीब 12 साल के बाद आज आपके बीच आया हूं। बारह साल में टेम्स में बहुत पानी बह चुका है। तब मैं जब आया था तो मुख्यमंत्री के रूप में आपसे मिला था और आज जब आपके बीच में आया हूं तो देशवासियों ने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है।
और उस नई जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने हर हिंदुस्तानी ने देखे हैं, वे सपने पूरे करने का सामर्थ्य भारत में है, ये मैं भली भांति अनुभव कर रहा हूं। पिछले 18 महीने के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है। हमने बिना कारण गरीबी को पाल करके रखा है, और पता नहीं क्यों आदतन हमें गरीबी को पुचकारने में जरा मजा आने लग गया है। भारत सामर्थ्यवान है, 125 करोड़ देशवासी ₹250 करोड़ भू जाएं और वो देश जिसमें 800 मिलियन 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, भारत जवानी से लबालब भरा हुआ देश है। और जिस देश के पास इतने युवा हो, वो देश अब पीछे नहीं रह सकता, वो देश विकास की इस यात्रा में अब रुक नहीं सकता है। मैं 2 दिन से यहां हूं, यूके की सरकार ने, प्रधानमंत्री कैमरन ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, सम्मान किया, उनके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराओं का है, प्रधानमंत्री कैमरन के साथ इसके पूर्व भी मुझे अनेक बार मिलने का, बातचीत करने का अवसर मिला है, और मैंने अनुभव किया है उनसे जब भी मिलना हुआ, वो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतना इतना गौरवगान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो
यहां के भारतीय समुदाय के साथ पूरी तरह घुल मिल गए हैं। भारतीय समुदाय के प्रति उनकी संवेदना साफ साफ नजर आती है। मैं उनके भारतीयों के प्रति जो प्रेम है इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों का उनके साथ जो नाता है और आपके माध्यम से उन्होंने भारत को जिस रूप से जाना है और उसके कारण भारत के प्रति भी उनके मन में वही आदर वही लगाव हर बात में महसूस होता है। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो, इससे बड़ा गर्व क्या होगा। यह लंदन की धरती आजादी का जंग इस धरती पर भी भारतीय लोगों ने आकर के आजादी के जंग की लड़ाई को ताकत दी थी। उसमें एक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1930 में उनका स्वर्गवास हो गया। विद्वान थे, बैरिस्टर थे और यहां रहकर के वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे और इसके लिए यहां के बार एसोसिएशन ने उनको निकाल दिया था। वकालत करने की उनकी सनद को रद्द कर दिया गया था। आज मैं प्रधानमंत्री कैमरन का आभारी हूं कि करीब करीब 100 साल के बाद उन्होंने घड़ी की सुई को उल्टा कर दिया। और कल मुझे श्याम जी कृष्ण वर्मा को, जो अब तो रहे नहीं लेकिन उनके सम्मान में उनको फिर से बार के मेंबरशिप को कंटिन्यू करने वाला कागज मुझे सौंपा। जब मैं गुजरात में था 2003 में मैं यहां आया था। मैं यहां से जिनेवा पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा के अस्थि लेने के लिए जाने वाला था। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन की धरती पर रह करके आजादी का जंग लड़ रहे थे। वीर सावरकर जैसे अनेक महापुरुषों को, मदनलाल ढींगरा जैसे तेजस्वी ओजस्वी नौजवानों को वे यहां प्रोत्साहित करते थे। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ तो उनकी इच्छा व्यक्त की थी कि उनके स्वर्गवास के बाद उनके अस्थि हिंदुस्तान आजाद जब हो तो आजाद हिंदुस्तान में ले जाए जाए। लेकिन 1930 से 2003 तक भारत से कोई आया नहीं अस्थि लेने के लिए।
भारत मां के उस लाल की अस्थि ले जाने का सद्भाग्य मुझे मिला और 2003 में मैं ले गया। और गुजरात में कच्छ मांडवी जो उनका जन्म स्थान था, वहां एक भव्य स्मारक बनाया है, उनके उनकी श्रीमती जी की अस्थि वहां रखे हैं। आज मुझे यहां के बाढ़ का जो स्वीकृति पत्र फिर से मिला है, वो भी मैं गुजरात सरकार को सुपुर्द करूंगा और वो भी उस म्यूजियम में रखा जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री कैमरन ने घड़ी की सुई को उल्टा घुमाया है, मैं उनका आभारी हूं। भारत जिस विकास यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारा देश दुनिया के लिए एक अजूबा है। प्रधानमंत्री के बाद विश्व के जिन जिन लोगों से मुझे मिलना हुआ है, एक बात अवश्य पूछते हैं, क्योंकि हर देश किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है और इसलिए वे कभी कभी मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, हमारा इतना छोटा देश, ये परेशानी वो परेशानी, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये समुदाय ऐसा करता है, वो समुदाय ऐसा करता है, वो लोग ऐसा करते हैं, अक्सर बातें करते हैं, फिर मुझे पूछते हैं कि मोदी जी ये बताइए, ये आपका 125 करोड़ का देश इतने प्यार से इतने मिलजुल करके कैसे रहता है? लोगों को आश्चर्य है, ऐसा देश जहां 100 भाषाएं हो, 1500 बोलियां हो, हजारों प्रकार के खान पान की पद्धतियां हो, दक्षिण से निकले उत्तर पहुंचते पहुंचते सैकड़ों प्रकार की वेशभूषा नजर आती हो, कितनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। और विविधता ये हमारी विशेषता भी है, विविधता ये हमारी आन बान शान भी है, विविधता ये हमारी शक्ति भी है। अब आप देखिए, पंजाब के हमारे सिख भाई कितनी त्याग और बलिदान की गाथाएं जुड़ी हुई है, भारत की आन बान शान के लिए कितने सिखों ने अपने सर नौछावर कर दिए थे। और सिख समाज की एक विशेषता रही है कि वे मां भारती की भी रक्षा करते रहे, मां भारती की रक्षा के लिए अपना खून बहाते रहे और आजाद हिंदुस्तान में भारत माता के संतानों का पेट भरने के लिए वे खेतों में अपना पसीना बहाते रहे और हिंदुस्तान भर का पेट भरने के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं रखी। मैं जब कल यहां आया, यहां के सिख समाज के सभी वरिष्ठ लोग मुझे मिलने आए थे, बहुत प्यार से बातें हुई, हम दोनों ने मिलकर के अपने दुखों को दर्दों को बांटा,
उनके दिल पर जो गुजरती हैं बातें, उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, उनकी कठिनाई को मैं समझता हूं। और मैंने विश्वास दिलाया है कि जिन जिन बातों को आप कह रहे हैं, मैं पूरी तरह उन चीजों में लगा हुआ हूं। आने वाले भविष्य में आपको उसके नतीजे भी नजर आ जाएंगे। भारत की धरती पर कबीर और रहीम की बातें हम सबको प्रेरणा देती रही है। सूफी परंपरा आज विश्व में जो आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती, इस्लाम में ही इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बड़ा होता और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता, वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। ऐसी विविधताओं से भरी दुनिया के सभी प्रमुख संप्रदाय हिंदुस्तान की धरती पर है, और सिर्फ कहने को नहीं, भारी मात्रा में समुदाय है। हमारी यहां ऋतुएं कितनी है, हमारी यहां विविधताएं कितनी है, हमारे यहां पेड़ पौधे देखें, यह देश विविधताओं से, परमात्मा की कृपा से पुलकित हुआ है। और आप उस देश के एक प्रकार से सच्चे एम्बेसेडर हैं। भारतीय समुदाय का व्यक्ति जहां गया, वहां सबके साथ रहने का, जीने के संस्कार लेकर के गया। विविधताओं के बीच में भी सबके साथ कैसे जिया जाता है, अपनी परंपराओं को बचाते हुए सबके साथ कैसे घुलमिल करके जिंदगी जी सकते हैं, अगल बगल में किसी को खरोच भी ना आ जाए उसके बाद भी गति तेज कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाइयां और बढ़ा सकते हैं, ये आपने दिखाया। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समाज ने ये संस्कार का परिचय करवाया है, ये शक्ति का परिचय करवाया है, और उन्हीं के माध्यम से हिंदुस्तान की सही पहचान भी बनती है। और इसलिए विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को भी इस महान परंपरा को आपके अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से दुनिया को आपने भारत की ताकत का परिचय करवाया है। इसलिए आप सब मेरे भाई बहन हृदय से अभिनंदन के अधिकारी हैं, बहुत बहुत बधाई के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, आज विश्व में भारत की अपनी एक
गरिमा, एक गौरव, उसका अनुभव आप भी करते होंगे। पूरी दुनिया आज भारत के प्रति बहुत आशा की नजर से देख रही है। भारत का नाम सुनते ही, इंडिया सुनते ही, आपको जिन जिन विदेश में लोगों से मिलते हो, आपको भी महसूस होता है कि नहीं होता है, आपको भी ध्यान में आता है कि दुनिया का नजरिया बदला है। पहले लोग मिलते हैं, अब मिलते हैं तो बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। पहले हाथ मिलाते थे, अब हाथ पकड़ के रखते हैं। ये बदलाव जो है, ये बदलाव ही भारत की सफलता की एक निशानी के रूप में है। विश्व आज भारत को एक शक्ति के रूप में पहचान रहा है। विश्व आज भारत को एक संभावनाओं की भूमि के रूप में देख रहा है। और हमारी भी कोशिश है कि भारत का स्थान अब दुनिया में औरों के साथ बराबरी का होना चाहिए। दुनिया से अब मेहरबानी नहीं चाहते, अगर हम चाहते हैं तो बराबरी चाहते हैं, बराबरी। और मैं 18 महीनों के अनुभव से कह सकता हूं कि आज भारत के साथ जो भी बात करता है वो बराबरी से बात करता है। जुड़ना चाहता है तो विन विन की फॉर्मूला के साथ जुड़ना चाहता है। आगे बढ़ना चाहता है तो कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना चाहता है। और ये आने वाले उत्तम भविष्य के शुभ संकेत के रूप में मैं देखता हूं। विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसमें दो प्रमुख समस्याएं, सारी दुनिया के जितने भी नेता जब भी मिलते हैं इन दो बातों की, परेशानियों की चर्चा करते ही करते हैं। एक आतंकवाद, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। आतंकवाद हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, सारी मानव जात को बचाने की जिम्मेवारी सभी देशों की है। मानवता में विश्वास करने वाले हर नागरिक की है।
और भारत भारत इसके लिए सही रास्ता दिखा सकता है। महात्मा गांधी का जीवन, महात्मा गांधी के उपदेश, महात्मा गांधी का अहिंसा का शस्त्र, उसमें वो ताकत है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में विश्व गांधी को समझने का प्रयास करे तो आतंकवाद से मुक्ति का रास्ता भी मिल सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति का भी रास्ता मिल सकता है, क्योंकि गांधी इतने दीर्घ दृष्टा थे। और इसलिए भारत की वो भी जिम्मेवारी है कि ऐसे संकट की घड़ी में मानवता के कल्याण के लिए विश्व को इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए भारत अपनी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा, ये मैं आप मेरे देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। देश आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेज गति से चल रहा है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि भारत ने जो गति पकड़ी है, भारत ने जो दिशा पकड़ी है, उस गति से उस दिशा से बहुत ही जल्द हम उसके फल भी देखने शुरू करेंगे। आजादी के 70 साल के बाद आपको जानकर के हैरानी होगी, आज भी हिंदुस्तान में 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या ये काम मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन 18,000 गांव में जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां बिजली पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? आजादी के 70 साल के बाद भी अगर मेरा देशवासी अंधेरे में जिंदगी जीने के लिए मजबूर है तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है, आप मुझे आशीर्वाद देंगे? मैंने बीड़ा उठाया है, राज्यों से कहा है मुझे मदद कीजिए। आने वाले 1000 दिवस में इन 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प करके चला। जब मुझे पहली बार लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के नीचे से देश को संबोधित करने का पहला अवसर मिला, बचपन में जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन एक चाय बेचने वाला
सरदार का बेटा, लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराता होगा। और उस दिन मैंने कहा था, स्वच्छ भारत का सपना मैंने देशवासियों के सामने रखा था। बहुतों का आश्चर्य हुआ था कि लाल किले पर से तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं रखनी चाहिए, अखबारों में हेडलाइन छप जाए, ऐसी चीजें बतानी चाहिए, और ये मोदी कहां से आ गया, ये सफाई की बातें करने के लिए लाल किले का उपयोग कर रहा है। बहुतों को बुरा लगा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा था। मेरा देश अगर साफ सुथरा हो, गंदगी से मुक्त मेरी भारत माता हो, आपको आनंद होगा कि नहीं होगा, आपको गर्व होगा कि नहीं होगा, गरीब की जिंदगी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। उस काम को मैंने शुरू किया है, उसमें पहला काम उठाया टॉयलेट बनाने का, और मैं ये विदेश में रहने वाले मेरे भारतीय भाइयों बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कई भारतीय भाई बहन जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने भी अपने गांवों में पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए पैसे दिए, बनवाए। हमारे यहां बालिकाएं 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल दूसरी या तीसरी कक्षा में आती हैं तो स्कूल जाना छोड़ देती है। पता चला कारण क्या, तो बच्चियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं था। क्या 21वीं सदी में हमारी बेटियां अनपढ़ रहे, ये हमें मंजूर है क्या? क्या उनके साथ अन्याय है कि नहीं है? और इसलिए मैंने एक बीड़ा उठाया, एक निश्चित समय सीमा में भारत की सभी स्कूलों में गर्ल चाइल्ड के लिए अलग टॉयलेट बनना चाहिए, और आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि सबने मिलकर के उस काम को पूरा कर दिया। क्या ये काम नहीं होने चाहिए थे क्या? पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? भाइयों बहनों, हमारे देश में 40% लोग ऐसे थे जिनका बैंक में अकाउंट भी नहीं था। आज के युग में अगर बैंक खाते में कोई गरीब को बैंक के दरवाजे तक जाने की स्थिति ना हो तो इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है। और इसलिए एक अभियान चलाया, 100-150 दिन के अंदर 19 करोड़ नए बैंक के खाते खुल गए। अगर हम व्यवस्थाएं बदलना चाहते हैं तो देश तैयार है, देश ने अपना मन बना लिया है, और उसके कारण बदलाव नजर आने लगा है। भाइयों बहनों, भारत अपनी पुरानी समस्याओं से मुक्त हो, ये तो जरूरी है, लेकिन क्या मुसीबतों से मुक्ति पाकर के बैठे रहने से चलेगा क्या? भारत को अपनी कठिनाइयों से तो मुक्ति लेनी है, लेकिन भारत को
आधुनिक भारत भी बनाना है, समृद्ध भारत भी बनाना है, विकास की नई ऊंचाइयों को भी पार करना है। हमारे यहां रेलवे बहुत पुरानी हमारे यहां व्यवस्था है, लेकिन जिस गति से रेलवे का विकास होना चाहिए, दूर सुदूर क्षेत्रों में जहां रेल पहुंची नहीं वहां पहुंचाना चाहिए, बाबा आदम के जमाने से जिस गति से रेल चलती थी वो वक्त चला गया, अब तेज गति से चलने वाली रेल चाहिए, अच्छी सुविधा वाली रेल चाहिए। और इसलिए हमने रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमने दरवाजे खोल दिए। पहली बार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भारत की रेलवे रूपी बॉन्ड लेकर के आई है दोस्तों, रूपी बॉन्ड। ये पहली बार हुआ है और हम तो जब बॉन्ड की बात आती है तो सबसे पहले जेम्स बॉन्ड की याद आती है। मनोरंजन की दुनिया, एंटरटेनमेंट के लिए जेम्स बॉन्ड हम भली भांति परिचित हैं। उससे आगे जाए तो जब बॉन्ड की बात आती है तो ब्रुक बॉन्ड टी की याद आती है। अगर जेम्स बॉन्ड मनोरंजन देता है तो ब्रुक बॉन्ड ताजगी देता है। ब्रुक बॉन्ड टी बॉन्ड दैट्स बॉन्ड। लेकिन अब हम न मनोरंजन से चलना है, न सिर्फ ताजगी से चलना है, अब तो विकास की राह पर जाना है। और इसलिए जेम्स बॉन्ड, ब्रुक बॉन्ड, रूपी बॉन्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, और जब मैं एफडीआई की बात करता हूं तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मेरे लिए दूसरा भी महत्वपूर्ण पहलू है फर्स्ट डेवलप इंडिया। और इन दोनों को बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। गत वर्ष की तुलना में आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% वृद्धि हुई है, 40%। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि विश्व का भारत के प्रति विश्वास बढ़ रहा है।
और भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ रहा है वही भारत को आगे बढ़ाने की एक सबसे बड़ी हमारी ताकत है और ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर आज भी हमारी रक्षा के लिए हमें दुनिया की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है, हमें शस्त्र बाहर से लाने पड़ते हैं, अरबों खरबों रुपया हमारे बाहर चले जाते हैं। हमने बीड़ा उठाया है, अगर भारत के वीर भारत की रक्षा करते हैं तो भारत के वीरों के हाथ में वो शस्त्र भी भारत के वीरों के हाथों से बना हुआ होना चाहिए। और इसलिए दुनिया से रक्षा के क्षेत्र में उपयोग आने वाले साधन, चाहे वो पनडुब्बियां हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, टैंक हो, छोटे हथियार हो, ये भारत में निर्माण कैसे हो, उसकी एक्सपर्टाइज हिंदुस्तान में कैसे आए, टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में कैसे आए, उस पर हम भारी मात्रा में बल दे रहे हैं। और मैं आज आपको खुशखबरी सुनाता हूं, शस्त्रास्त्र की दुनिया में जो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वे आज भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, भारत में आने के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। और मैं विश्व को कहना चाहता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनना मतलब विश्व के 1/6 ह्यूमैनिटी, हम दुनिया की 1/6 आबादी है, उनकी सुरक्षा मतलब विश्व की एक सुरक्षा की गारंटी बन जाती है। और वो अपने आप में दुनिया को सुरक्षित रखने की एक ताकत भी देती है, नया विश्वास पैदा करती है। हम अपना तो भला करना चाहते हैं लेकिन हमारी भलाई में औरों की भलाई भी होनी चाहिए। मैंने कहा था ग्लोबल वार्मिंग की चिंता, भारत ने बीड़ा उठाया है दो चीजों का। एक, हम दुनिया को सूर्य पुत्र राष्ट्र, वो देश जिनको सूर्य की शक्ति का अधिक लाभ मिलता है, जहां गर्मी रहती है, उजाला रहता है, पूरे विश्व के ऐसे देशों का हम एक संगठन करना चाहते हैं। भारत ने बीड़ा उठाया है कि दुनिया में 102 देश ऐसे हैं कि जिनको सहज रूप से सूर्य शक्ति का लाभ मिलता है, वो एक प्रकार से सूर्य पुत्र राष्ट्र है। दुनिया में पेट्रोल वाले देशों का संगठन है, G7 है, G20 है, आसियान है, सब कुछ है, लेकिन सूर्य पुत्रों को कभी इकट्ठा किसी ने नहीं किया। हमने बीड़ा उठाया है दुनिया के सूर्य पुत्रों को इकट्ठा करने। ये देश मिलकर के सोलर एनर्जी में रिसर्च करें, रिन्यूएबल एनर्जी में रिसर्च करें, सूर्य शक्ति का जीवन में कैसे सर्वाधिक उपयोग हो, प्रकृति की रक्षा हो,
तो एक तो हम एक वैश्विक इस व्यवस्था का नेतृत्व भारत करने जा रहा है, और मैं देख रहा हूं, मैं पिछले कुछ दिनों से विश्व के नेताओं से बात कर रहा हूं, सब दूर से मुझे सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। और उसकी पहली प्राथमिक मीटिंग इसी महीने के अंत में हम पेरिस में करने जा रहे हैं। सभी देश के लोगों को इस एक अलग से मीटिंग करूंगा, वहां मैं बुलाऊंगा, उनको बात समझाने वाला हूं। भारत नेतृत्व कर सकता है, भारत नेतृत्व कर सकता है। इन बातों को करने के लिए भगवान सूर्य की हम पर कृपा है, तो मैं दुनिया को भी उस पर जोड़ना चाहता हूं। दूसरा काम, ये बात सही है कि भारत में अभी हर जगह पे 24 घंटे बिजली नहीं पहुंचती। 18,000 गांव तो मैंने बताया कि जहां खंभा भी नहीं है, लेकिन जहां बिजली है वहां भी 24 घंटे नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है 2019 महात्मा गांधी के 150 साल हो रहे हैं। दो सपने हैं मेरे, एक सफाई का और दूसरा 24 घंटे बिजली पहुंचाने का। और इसलिए हमने एक अभियान चलाया है सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का काम शुरू किया है। भारत में जब भी बिजली की बात आती थी मेगावाट की बात आती थी, मेगावाट से ज्यादा हम कभी सोच ही नहीं पाते थे। पहली बार हिंदुस्तान गीगावाट पर सोचने लगा है। जब मैं विश्व के नेताओं से मिलता हूं और 175 गीगावाट बिजली के लक्ष्य की बात करता हूं, रिन्यूएबल एनर्जी की, सारे विश्व के नेता, उनको अचरज होता है। वो सोचते हैं ये कैसे आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, आपके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि भारत एक सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है, सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है। हम उसे बनाने की दिशा में, और उसके बाद जो छोटे छोटे टापू देश हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच गुजारा कर रहे हैं, उनको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर समुद्र की सतह बढ़ गई तो उनका टापू डूब जाएगा, कहां जाएंगे। ऐसे सैकड़ों टापुओं पर रहने वाले लोग, उनके जिंदगी में खुशी लाने का काम हिंदुस्तान की धरती पर हो सकता है, और उस काम को हम कर रहे हैं। दोस्त, आज दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन होगी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी हो, हर कोई एक स्वर से कहता है कि भारत
विश्व के बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। बहुत तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। दुनिया ने एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस प्रकार का रेटिंग करते हैं कि वो कौन देश है जहां भ्रष्टाचार कम है और भ्रष्टाचार कम हो रहा है। हम जानते हैं हमारे देश में ये बदनामी हमको हमारे सर पे लिखी हुई है। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है, लेकिन क्या दीमक की दवाई नहीं है क्या? और दवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जनता का पैसे का पाई पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी के घर के घर भरने के लिए जनता का धन होता है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों हमने कदम उठाए, उसका परिणाम यह हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की इंस्टीट्यूशन उसने भारत को पहले की स्थिति से 10 पॉइंट्स आगे कर करके हमारे यहां भ्रष्टाचार कम हुआ है उसको सर्टिफिकेट दे दिया है। पहली बार हम चाइना से अच्छी स्थिति में आ गए जो कभी नहीं आते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दुनिया के आखिरी छोर पर खड़े थे। हमने कुछ कदम उठाए, कुछ निर्णय किए, आज हम बहुत तेजी से हमारा नंबर ऊपर की ओर जा रहा है और देखते ही देखते सुफल उसके नजर आने लगे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमें आधुनिक भारत बनाना है। क्लीन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, इन सभी क्षेत्रों में हम कार्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, हम ये गलती कभी ना करें कि जो हम टीवी के पर्दे पर देखते हैं बस वही हिंदुस्तान है, ऐसा सोचने की गलती कभी ना करें। अखबार की हेडलाइन में जो है उतना ही हिंदुस्तान है ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। टीवी के पर्दे के बाहर भी 125 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान बहुत गहरा हिंदुस्तान है, बहुत ऊंचा हिंदुस्तान है, बहुत ही उत्तम हिंदुस्तान है। और इसलिए न कभी आपने पढ़ा होगा न कभी आपने सुना होगा भाइयों बहनों, राजस्थान में अलवर करके एक जगह है, अलवर में इमरान खान नाम का एक व्यक्ति है। ये इमरान खान शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्ति है। अलवर जैसे छोटे स्थान का इमरान खान, उसने मोबाइल फोन की 50 एप्स बनाई और वो भी विद्यार्थियों को काम आए ऐसी शिक्षा के संबंधी उसने एप्स बनाई और बनाई इतना नहीं,
अलवर के इमरान खान ने खुद ने बनाई हुई शिक्षा में स्टूडेंट को काम आने वाली ये 50 ऐप उसने विद्यार्थियों के नाम मुफ्त में समर्पित कर दी। मेरा हिंदुस्तान वो अलवर के इमरान खान में मेरा हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले हरियाणा, जहां हमारे यहां बेटा और बेटी के रेशियो में बहुत बड़ा अंतर है, मैंने एक अभियान चलाया वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शुरुआत मैंने हरियाणा से की और उसका असर ऐसा था कि एक छोटे से गांव के एक सरपंच ने सेल्फी विद डॉटर ऐसा एक प्रयोग किया। मेरे ध्यान में आया, मैंने उसकी भी तारीफ की और मैं हैरान था सारी दुनिया में हर किसी के मोबाइल का इंटरेस्ट बन गया था सेल्फी विद डॉटर। एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। दुनिया के बड़े बड़े राजनेता हो, शिक्षा जगत के वरिष्ठ लोग हो, आर्थिक जगत के वरिष्ठ लोग हो, हर किसी ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके मोबाइल फोन पर सर्कुलेट किया। मां बेटियों का गौरव बढ़ाने का एक अभियान चल पड़ा। ये है मेरा हिंदुस्तान। ऐसे लाखों लोग हैं जो आदिवासियों के बीच जाकर के वहां के कठिनाई को भी जी करके कोई शिक्षा में लगा है, कोई लोगों को हेल्थ की चिंता कर रहा है, कोई लोगों के संस्कार की चिंता कर रहा है। दूर सुदूर गांवों में ऐसे अनेक तपस्वी लोग बैठे हैं जो जीवन में समाज सेवा का व्रत लेकर के काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे कोटि कोटि जनों की तपस्या, ऐसे कोटि कोटि जनों का सामर्थ्य, यही तो है जिसके भरोसे मैं कहता हूं हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज जब लंदन में आया हूं, इतनी सारी मात्रा में हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन बैठे हैं, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ओसीआई ओसीआई के कारण कुछ समस्या है, ऐसा मेरे बातें मेरे ध्यान में आई है। उस प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और ओसीआई की समस्या से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसी प्रकार से ओसीआई और पीआईओ इसको मर्जर कर दिया हमने, लेकिन कुछ लोगों को उसमें दिक्कत आ रही है। मैंने उसके लिए आदेश कर दिए हैं, उसको भी सरल कर दिया गया है। फिर भी आपकी कोई कठिनाइयां होगी तो उसको एड्रेस करने की व्यवस्था बन चुकी है।
वीजा का प्रॉब्लम रहता था, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन कर दिया गया है। उसके कारण आपको उस दिक्कत से भी मुक्ति दिला गई है। भारत सरकार ने मदद नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, MADAD मदद। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप अपनी आवश्यक चीजें प्राप्त कर सकते हैं। वीजा की प्रॉब्लम हो और कोई OCI का प्रॉब्लम हो, PIO का प्रॉब्लम हो, उसके लिए रास्ते उसमें एक प्लेटफॉर्म पर वो समस्या का समाधान का मार्ग आपको मिल जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। एक ई माइग्रेशन पोर्टल बनाया गया है, जिसके कारण एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को प्राथमिक जानकारियों की जरूरत पड़ती है। ये ई माइग्रेशन पोर्टल के द्वारा वो जानकारियां भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, विश्व में रहने वाले भारतीयों को कभी कभी संकट आ जाता है, उनको संकट से मदद करने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। और मैं जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, तो लंदन से जो भी लोग मिलने आते थे मेरा गला पकड़ते थे। हमारे मित्र CB पटेल आते थे, वो लीड करते थे। और मैं कहता था कि अब मैं तो गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अब मैं प्रधानमंत्री बन गया, तो ये मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी बताओ, अब तो मुख्यमंत्री नहीं हो, क्या करोगे। तो आज मैं लंदन की धरती पर आया हूं। 2003 में आया था, तब मैं काम यहां करके गया था, लंदन अहमदाबाद के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट। तब अटल जी की सरकार थी, यहां के लोगों ने मुझे जो कहा मैंने उनको पहुंचाया और अटल जी ने उस काम को कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ आप जानते हैं, कैसे हुआ मैं बताना नहीं चाहता, क्यों हुआ मुझे भी मालूम नहीं, किसने किया अब नाप देने की जरूरत क्या है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 15 दिसंबर से क्या क्या 15 दिसंबर से क्या मैंने अभी कुछ बताया तो है नहीं। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि 15 दिसंबर से मैं मीटिंग शुरू करूंगा। तो मेरे प्यारे देशवासियों, 15 दिसंबर से लंदन अहमदाबाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी।
भाइयों बहनों, शायद दुनिया के किसी नेता को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता होगा। ये आपका आशीर्वाद, ये आपका प्यार ऐसी ठंड में भी इतनी बड़ी तादाद में आज आपने एक नया इतिहास बना दिया है। यहां पर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसके पास सुई वाली घड़ी हो जरा घड़ी बाहर निकालिए, आपकी सुई वाली घड़ी हो तो जरा बाहर निकालिए। कितने बजे हैं? पौने सात। मैं जरा आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं, भारत और इंग्लैंड का नाता कितना गहरा है, भारत और इंग्लैंड के बीच में अपनापन कितना है। हमें भारत और इंग्लैंड के समय को देखने के लिए दो घड़ी रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको उल्टा कर दीजिए, आपको हिंदुस्तान का टाइम नजर आ जाएगा। घड़ी अगर आप सीधी करोगे तो यूके का टाइम है, उल्टी करोगे इंडिया का टाइम है। अब आपको कभी हिंदुस्तान फोन करना हो तो हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा कि 5.5 घंटे वापस जाए, फिर समय तय करे, घड़ी को उल्टा कर दो, हाँ ठीक है भाई इतने टाइम हुआ होगा। ये दुनिया के दो कोई भी देश के साथ ऐसा समीकरण नहीं है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड और भारत का ये प्यार हमारे अड़ोस पड़ोस में भी किसी को नहीं है। ये सौभाग्य सिर्फ हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच का है। भाइयों बहनों, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक समय की गति चलेगी, भारत और इंग्लैंड का नाता और मजबूत होता जाएगा। हम कंधे से कंधा मिला करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करते चले जाएंगे। भाइयों बहनों, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। 12 साल के बाद आया हूं, लेकिन 12 साल में जो प्यार आपने समेट के रखा था, वो सारा प्यार की वर्षा आज आपने मेरे पर कर दी। ये प्यार, ये उमंग,
ये विश्वास का प्रतीक है। ये आपका उमंग और उत्साह, आपके भीतर जो सपने हैं उन सपनों का एहसास कराता है। और मैं मेरे प्यारे देशवासियों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, मेरा और आपका नाता उस खून के रंग के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। आपके पासपोर्ट के रंग से, आपके पासपोर्ट के रंग से तय नहीं होगा कि आप कौन हैं। हमारे लिए तो आप सब हमारे हैं। जितना अधिकार हिंदुस्तान पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार आप सबका भी है। उस हमारी भारत मां के लिए हम भी कोई संकल्प करें, हम भी भारत मां के जीवन के साथ जुड़ने का प्रयास करें, अपनी शक्ति समय कभी न कभी मां भारती के लिए लगाने के लिए कभी न कभी सोचे। देश आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों, देश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भारत आपको विश्वास दिलाता है कि आपके पास जो सामर्थ्य है उसमें खाद डालने का काम करने की ताकत भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी है, जो आपके सपनों को वटवृक्ष बना सकता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए उर्वरा धरती दे सकता है। और उसके लिए मैं विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को आग्रह से कहता हूं कि आइए, देश आगे बढ़ रहा है, हम भी साथ साथ चल पड़े, हम भी आगे बढ़े। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की आवाज हिंदुस्तान की हर गली में पहुंचनी चाहिए। आप जिस प्रदेश से आए हैं वहां भी पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।